दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्मार्टफोन से दो ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये दो ब्लूटूथ एक स्मार्टफोन से कनेक्ट होते भी हैं, ये प्रॉपरली वर्क करते भी हैं कि नहीं करते हैं, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक बन रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। ये दो हेडफोन को इस स्मार्टफोन में कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले हेडफोन को कनेक्ट करूंगा। इसको मैं यहां से कर लिया मैंने ऑन। ऑन करने के बाद मैं स्मार्टफोन को ओपन करता हूं, और स्मार्टफोन को ओपन करने के बाद मैं यहां से चलता हूं ब्लूटूथ को ऑन करता हूं। ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करता हूं, और इस ब्लूटूथ को मैं नाम सर्च करता हूं। ये आपको शो हो रहा है NB119 बूम, ये इस ब्लूटूथ का नाम है। यहां से मैं इसको सिंपली कनेक्ट कर देता हूं। ये पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग होने के बाद ये कनेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो मैं पेयर कर देता हूँ, पेयर होने के बाद ये कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 70% बैटरी दिखा रहा है, NB119 बूम, ये इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस वाले हेडफोन को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं इस हेडफोन को ऑन कर लेता हूँ, और इस हेडफोन को ऑन करने के बाद फिर से सर्च करूँगा। ये हेडफोन ऑन हो चुका है, यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद इस वाले हेडफोन का मैं नाम यहाँ से देखूँ। आप देखें FH13, ये इस हेडफोन का नाम है। मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ सिंपली। ये पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग होने के बाद ये भी सिंपली कनेक्ट हो जाएगा। आप पेयर करेंगे और देख सकते हैं ये भी कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दोनों हेडफोन इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी, इस वाले की बैटरी 50% है, और इस वाले की बैटरी 70% है। अब बात करते हैं ये हेडफोन दोनों कनेक्ट तो हो गए, बट इसकी मीडिया शेयर होती है नहीं। ये दोनों हम कोई साउंड प्ले करते हैं तो ये दोनों एक साथ यहाँ प्ले होते हैं, या इसमें साउंड आती है क्या नहीं आती है। तो उसके लिए चलते हैं, मैं कोई म्यूजिक को यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक म्यूजिक को मैंने प्ले किया है, और प्ले करने के बाद मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। इस फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ, और मैं माइक को पास लेकर आता हूँ। मैं यहाँ से इसके वॉल्यूम को अप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाले हेडफोन को आपको शो करता हूँ। देख सकते हैं इस वाले में वॉइस नहीं आ रही है, इस वाले में प्रॉपरली वॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों एक साथ वर्क क्यों नहीं कर रहे। मैं इस वॉल्यूम बटन को भी अप करता हूं तो एक सिंगल दिखा रहा है, इस यही अप डाउन होगा, इस वाले का कनेक्ट हो रहा है। अब मैं यहां पे इस वाले में प्ले करने के लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे, इसको स्क्रॉल करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, या मैं इसको ऑन रखता हूं, और इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगी। अब यहां पे आप देखने वाली चीज़ ये है कि आपको यहां पे मिलेगा, या तो आप जब आप दो हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो वट दो हेडफोन कनेक्ट करने के बाद वट प्ले जो होगा म्यूजिक वो एक ही में होगा। या तो आपको तीन ऑप्शन ऐसे मिला है, रेडमी ये तो डिवाइस का नाम है, या तो आप डिवाइस में डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिवाइस में ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, साउंड प्ले हो रहा है, ठीक है। और अब ये NB119 है, तो आप देख सकते हैं ये वाला हेडफोन इसमें साउंड कर रहा है। मैं माइक को इसके पास लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं FT13 पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला माइक यहाँ पे वर्क करने वाला है। सिंपल मीन्स ये हो गया कि दो हेडफोन कनेक्ट तो हो जाएंगे, बट एक साथ दोनों प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ये कुछ स्मार्टफोन में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ ही स्मार्टफोन में मिलेगा आपको, सैमसंग के में साथ मिल सकता है, वो भी कुछ स्मार्टफोन में जो दोनों हेडफोन को प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो आपको, आप जब भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, तो काफ़ी आर्टिकल या आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कुछ एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताया जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कनेक्ट नहीं होता है। हाँ, आगे चल के कोई भी अपडेट आती है, मीन्स मीडिया शेयर का मतलब जो म्यूजिक शेयर दो हेडफोन या तीन हेडफोन में होता है, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना के दूंगा। बट अभी ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, अभी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, या कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे एक फ़ोन से दो हेडफोन को कनेक्ट करके म्यूजिक शेयर कर सकते हैं। तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ना। आपको मैंने बता दिया कि कनेक्ट तो हो जाएंगे प्रॉपरली, बट एक टाइम में एक ही वर्क करेगा, दोनों एक साथ वर्क नहीं करने वाले। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा एक स्मार्टफोन से दो ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये कितना प्रॉपरली वर्क करते हैं, कि साउंड वगैरह कितना हमारे पास आता है, और कैसे कैसे हमारे हमें सुनाई देता है। तो दोस्तों अब आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे किस तरह से ये वर्क करते हैं। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल साबित हुई है आपके लिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपके टैक्स रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमारी ये वाली वीडियो देख के जाने कि एक ब्लूटूथ को दो स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।